नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति का भाग सात पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप तथा दो दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो रेखाओं का समतलीय होने की स्थिति तथा दो समतलों के बीच का कोण के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। आइए दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि दो रेखाएं समतलीय कब होती है, अर्थात कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन्स। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारे पास दो रेखाएं दी गई हैं समतल पर, जो कि है L1 और L2, जिनके के वेक्टर फॉर्म है R vector = a1 vector + λ b1 vector। साथ ही R vector = a2 vector + μb2 vector। यहाँ पर हमारी जो पहली लाइन अर्थात L1 है, उससे पास होती हुई एक पॉइंट है A, और L2 से पास होती हुई जो पॉइंट है वो है B, जिनका की पोजीशन वेक्टर है A1 और A2। यहाँ पर ये जो लाइन L1 है वो पैरेलल है B1 वेक्टर के। सिमिलरली ये जो लाइन L2 है वो पैरेलल है B2 वेक्टर के। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो यहाँ से हमें AB वेक्टर क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। यहाँ से हमें AB वेक्टर मिलेगा A2 वेक्टर -A1 वेक्टर। यहाँ से हमें AB वेक्टर मिलेगा A2 वेक्टर -A1 वेक्टर। चूंकि यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो रेखाएं हैं ये समतलीय होंगी केवल यदि AB वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर समतलीय होंगे तब। और जब ये वेक्टर समतलीय होंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा AB वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर = 0। अर्थात ये जो हमारे पास समीकरण आया है ये है हमारा वेक्टर फॉर्म, जिससे कि हम ये बताते हैं कि हमारे जो दो लाइंस हैं वो कोप्लानर है, अर्थात समतलीय हैं। जहाँ पर अगर आप AB वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा A2 वेक्टर -A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर = 0। तो यहाँ से हमारी जो वेक्टर फॉर्म आ रही है कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस की, वो है A2 वेक्टर -A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर = 0। चलिए अब हम देखेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो दोस्तों, कार्टेशियन फॉर्म अर्थात कार्तीय रूप, इसका जानने के लिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि हमारे पास जो दो बिंदुएं दी गई हैं उसके निर्देशांक है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और जो वेक्टर b1 और b2 है उनके डायरेक्शन रेशियो हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो यहाँ से हमें कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस की जो इक्वेशन मिल रही है वो हमें मिल रही है डिटरमिनेंट फॉर्म में, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट रो में है x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1, दूसरे रो में है a1 b1 c1 और तीसरे रो में है a2 b2 c2, जो कि बराबर अगर शून्य के होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो रेखाएं हमें दी गई हैं वो कोप्लानर है, अर्थात समतलीय हैं। ये इसका कार्तीय रूप है जिससे कि हम ये ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस अर्थात दो रेखाओं का समतलीय होने की जो दो समीकरण है वो आपके पास स्क्रीन में यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिन्हें आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है दो समतलों के बीच का कोण, अर्थात एंगल बिटवीन टू प्लेन। यानी कि यहाँ पर अब हम दो समतल के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कि वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि दो समतल के बीच का कोण हम उनके अभिलंबों के मध्यस्थ कोण द्वारा ज्ञात करेंगे, अर्थात उनके नॉर्मल से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो प्लेन लिया है जिनके इक्वेशन है R vector dot N1 vector = D1 और दूसरे
प्लेन का है, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू डी टू। इसके बाद हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि हमने इन दोनों प्लेन के बीच में नॉर्मल ड्रॉ किया है n1 और n2, तो इनके नॉर्मल के बीच का जो कोण होगा वही होगा हमारे इन दो समतलों के बीच का कोण। आइए देखते हैं कि उसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, दो समतलों के बीच का कोण हम ज्ञात करेंगे अभिलंबों के मध्यस्थ कोण से। यहाँ पर इन दोनों समतलों के बीच का जो कोण है वो थीटा है, तो वो किसी कॉमन पॉइंट अर्थात सार्व बिंदु से समतल पर हम अभिलंब खींचेंगे जो कि उनके बीच का कोण होगा, जैसा कि अभी आपने आकृति में देखा। तो यहाँ से हमें इन दो समतलों के बीच का कोण प्राप्त हो रहा है cos थीटा बराबर मॉड n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n2 वेक्टर। तो दोस्तों, ये है हमारा कोण ज्ञात करने का सूत्र, जो कि है cos थीटा बराबर मॉड n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n2 वेक्टर, जहां से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी cos इनवर्स अर्थात cos प्रतिलोम मॉड n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n2 वेक्टर। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे इसका कार्तीय रूप अर्थात कार्टेशियन फॉर्म। मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो समतल दिए गए हैं उसके समीकरण है a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0 और a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0 और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है थीटा। इन दो समतल के अभिलंब के अर्थात नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं अर्थात दिक अनुपात हैं वो है a1b1c1 तथा a2b2c2। तो यहाँ से हमारे पास जो इनका कार्तीय रूप प्राप्त हो रहा है कोण ज्ञात करने का वो है cos थीटा बराबर मॉड a1a2 plus b1b2 plus c1c2 upon mod of a1 square plus b1 square plus c1 square multiplied by mod of a2 square plus b2 square plus c2 square। तो दोस्तों, दो समतलों के बीच का कोण हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसका सूत्र आपको पता लग गया है, साथ ही उसका कार्तीय रूप भी आपको पता लग गया है कि हम किस प्रकार से उनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि अगर दो समतल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे अर्थात परस्पर लंब होंगे, उनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ से हमें जो स्थिति मिल रही है वो है कि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 जो होगा वो बराबर होगा शून्य के। अर्थात अगर आपको ये दिया गया है कि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 बराबर है शून्य के, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों समतलों के बीच का जो कोण होगा वो बराबर होगा 90 डिग्री का। इसी प्रकार से अगर आपको ये दिया गया हो कि समतल समांतर है अर्थात पैरेलल है, तो उसकी कंडीशन होगी a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। तो दोस्तों, ये दो स्थिति हैं जिससे कि आपको उनका कोण ज्ञात करने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इन दोनों टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नों की ओर। जो उदाहरण हमने लिया है वो है, दर्शाइए कि रेखाएं x plus 3 upon minus 3 is equals to y minus 1 upon 1 is equals to z minus 5 upon 5 तथा x plus 1 upon minus 1 is equals to y minus 2 upon 2 is equals to z minus 5 upon 5 सहतलीय हैं। यानी कि इस प्रश्न में हमें दो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं जिन्हें हमें ये बताना है कि यह सहतलीय हैं। तो दोस्तों, कार्तीय रूप में हमें सहतलीय दिखाने के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म में x1, x2, y1, y2, z1, z2 तथा a1, b1, c1 तथा a2, b2, c2 के मान को ज्ञात करना होगा। तो आइए पहले हम इन सभी मानों को ज्ञात करते हैं दिए गए समीकरण से। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो रहा है कि a1 बराबर है माइनस 3 के, b1 बराबर है 1 के, c1 बराबर है 5 के, इसी प्रकार से a2 बराबर है माइनस 1 के, b2 बराबर है 2 के, c2 बराबर है 5 के। यहाँ से हमें x1 प्राप्त हो रहा है माइनस 3, y1 प्राप्त हो रहा है 1, z1 प्राप्त हो रहा है 5, x2 प्राप्त हो रहा है माइनस 1, y2 प्राप्त हो रहा है 2, z2 प्राप्त हो रहा है 5।
तो दोस्तों अब जब हमारे पास सभी मान आ गए हैं तो चलिए अब हम सहतलीय बताने की जो स्थिति है उसमें उनके कातिर्य रूप में इन सभी मान को प्रतिस्थापित करके देखते हैं कि क्या वो शून्य के बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों उनके कातिर्य रूप में जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो रहा है -1 + 3, -2 - 1, -5 - 5, -3 - 1, -5, -1 - 2, जिन्हें जब हम हल करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त होगा 2, 1, 0 पहले रो में, दूसरे रो में -3, 1, 5, तीसरे रो में -1, 2, 5, जिसे जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा 2 × 5 = 10 + 1 × 15 = 5 + 0 × 6 = 1, जिसे जब हम हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 2 × -5 - 1 × -10 + 0 × -6 + 1, जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त होगा 0 के बराबर। और जब हमें ये मान 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो दो रेखाएं हमें दी गई हैं यह सहतलीय है, अर्थात कोप्लानर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है 2 × x + y - 2z = 5 और 3 × x - 6y - 2z = 7 के बीच का कोण सदिश विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि वेक्टर फॉर्म के द्वारा हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो दो इक्वेशन दी गई है प्लेन की, उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हमें n1 वेक्टर मिल रहा है 2i + j - 2k, और n2 वेक्टर मिल रहा है हमें 3i - 6j - 2k। इसके बाद हम इसके मान को प्रतिस्थापित करेंगे जो हमारा सदिश विधि है दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करने का, जो कि है cos θ = |n1 vector · |n2 vector|(|n1 vector）। यहाँ पर जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा cos θ = (2i + j - 2k) · √2² + 1² - 2² · √3² - 6² + 2², जिसे जब हम प्राय हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा cos θ = (2 × 3 + 1 × -6 + -2 × -2) · √9 × √49, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगी cos θ की वैल्यू 4/21, जहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी cos inverse 4/21, अर्थात cos प्रतिलोम 4/21। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करते हैं सदिश विधि के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो पर आधारित प्रश्न और भी आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा दो रेखाओं का सहतलीय होना तथा दो समतलों के बीच का कोण। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे समतल से दिए गए बिंदु की दूरी तथा एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। धन्यवाद।